हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी रेसिपी। और आज की नई रेसिपी है ऑनियन लच्छा पकोड़ा। ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है। आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे लच्छा इसलिए बोलते हैं ताकि इसके एक एक ऑनियन जो होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने लंबा काट लिया है। इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूंगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगी कोरिएंडर, धनिया पत्ती, इसे ये लाल मिर्च पाउडर 10 से 12 यहाँ पे करी ली उसे, और ये है नमक। और मैंने 1 कप भर के लिया है चने का आटा, और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है राइस आटा, चावल का आटा। तो इसकी शुरुआत अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आटा डालेंगे चने का, वो हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि हमें जितना लगे उतना ही हम लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर पानी हमें डालना नहीं है। इसी के साथ मैं 1 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। जितना हमें आटा लगेगा उतना ही हम डालेंगे। अभी मैं फिर से यहाँ पे 2 चम्मच भर के चने का आटा डाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिए क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ऑनियन में जो जितना पानी है उतने ही पानी से ये बनेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 चम्मच डालूंगी चने का आटा। बस इतना ही हमें मिक्स करना है और ये हमारा बन के रेडी है। इसी के साथ ये सारी सामग्री मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने इसके अंदर सोडा का यूज़ नहीं किया है, और आप चाहे तो इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं। कलर डालने से लाल दिखेंगे। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से होना चाहिए ये एक एक, इसका मतलब जब हम डालेंगे तेल में तो वो अलग अलग हो जाए। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, मैंने अभी गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। तो इसके अंदर हम एक एक करके अलग अलग इस तरीके से पकौड़े डाल देंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बाकी आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो आप इसे कभी भी बना के नाश्ते में खा सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम फिर से पलट लेंगे इसे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है ताकि ये बहुत अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पकोड़े। हमें इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। तो हमें इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10 मिनट में ये बनके रेडी हो जाते हैं। हम इसे अच्छे तरीके से फिर से पलट लेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी हमारे ये पकोड़े बनके रेडी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसका एक एक मतलब ऑनियन जो होता है वो उसकी बाइट आपके मुँह में आएगी और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे इस तरीके से सर्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप कभी भी किसी भी टाइम पे खा बना के इंजॉय कर सकते हैं। और इसे गर्मा गर्म मिर्ची के साथ, तली हुई मिर्ची के साथ आप सर्व कीजिए। और ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।